साक्षी महाराज सांसद उन्नाव का नाम लेकर के ऐसे तमाम छोटे बड़े हजारों की संख्या में 2-3 हजार पेड़ उनकी बलि ले ली गई है। रात में ट्रैक्टर चला दिया गया है, ये देखिए कटे पेड़ यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इसके साथ में ये देखिए जो कब्जेदार थे उन लोगों ने ट्रैक्टर रात में लाए करीब 10-20 और चला दिए पेड़ों पर और इन पे बो दिया है गेहूं। ये देखिए पेड़ है, ये पेड़ है जो कि इनके ऊपर ट्रैक्टर चला तो है, नष्ट भी हो गए हैं लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हैं। ऐसे यहाँ पे तमाम करीब 2-3 हजार की संख्या में पेड़ थे। ये एक लाइन बची हुई है, ये देखिए कटे हुए पेड़ पड़े हैं जमीन में, अभी पत्तियां हरी हैं, 2-3 दिन में सूख जाएंगी और घटना आई गई हो जाएगी। तो सांसद जो हैं साक्षी महाराज, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये वन विभाग का। और ऐसे यहाँ पे हजारों हजार पेड़ हैं जिनकी रात में बलि ले ली गई। अब कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है ये देखने वाली बात होगी। घटना पे अगर कार्रवाई होती है, बताते हैं FIR की गई है, अगर कार्रवाई होगी तो माना जाएगा कि हाँ किसी का हाथ नहीं था, ये कुछ लोगों का ही प्रयास है। लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये जो है जगह वन विभाग की अगर कब्जे से छुड़ाई नहीं गई, कहा जाता है कि BJP सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन स्थिति यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, कटरी एरिया है और यहाँ पे लोग कम आते जाते हैं। नमस्कार साथियों, BJP सरकार का काला सच देखिए, पाक साफ सरकार बताई जाती है, लेकिन ये देखिए आप रातों रात हजारों पेड़ काट डाले गए हैं। ये वन विभाग का पेड़ है, आप देख रहे हैं कितना मोटा है। इस पे कुछ लोगों ने रात में ट्रैक्टर ला करके, बताया जाता है कि वो लोग बताते हैं कि हम लोग साक्षी महाराज के आदमी हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। मुझको नहीं पता साक्षी महाराज इसमें शामिल हैं या नहीं है, लेकिन ये करीब 400 बीघे का फॉरेस्ट है जिसमें लगभग 3000 पौधे 3000 पेड़ बड़े बड़े आप देख रहे हैं। ये देखिए इनको रातों रात काट डाला गया है। ये कुछ बचे हुए पेड़ हैं, आप इधर देखेंगे ये पूरी जमीन ट्रैक्टर से जुताई करके कब्जा कर ली गई है आज रात में, और इसको जो है गेहूं इसमें बो दिया गया है। ये देखिए पेड़ क्या इसकी दशा हो चुकी है, 3000 पेड़, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा होने में इसको कितना टाइम लगा होगा, सरकार ने कितने रुपए व्यय किए होंगे इस पे। यह है उन्नाव जिला, और उन्नाव जिले में ऐसी धांधली हो रही है BJP सरकार में, क्योंकि ये इलाका बेहद पिछड़ा है। ये देखिए पेड़ कितना बड़ा है, इसके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन पेड़ों को बचाया जा सके, इन पेड़ों की जान अब खतरे में है। इधर आप देखेंगे ये बड़ा पेड़ है तो इसके ऊपर ट्रैक्टर, बड़ा पेड़ है ट्रैक्टर नहीं चढ़ा है इसके ऊपर तो ये बच गया है। प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ये वन विभाग की जमीन है, ये देखिए यहाँ से जुताई हुई है, यहाँ से जुताई हुई है, पीछे वन विभाग है। तो 400 बीघे का वन विभाग कुछ लोगों के द्वारा कब्जाया जा रहा है, जिन लोगों का कहना है कि हम साक्षी महाराज के आदमी हैं, ऐसा वो लोग यहाँ पे दुष्प्रचार करते हैं। साक्षी महाराज तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, उनको चाहिए कि लीगल एक्शन इस पे लिया जाए, इन पेड़ों की जान बचाई जाए। ये पेड़ जो हैं वन विभाग ने लाखों रुपये खर्च करके पेड़ यहाँ पर लगवाए, और कुछ कुत्सित मानसिकता वाले लोग जिन्होंने दुस्साहस किया है, ये आज ही रात में काम हुआ है, आज रात में इन लोगों ने पेड़ों की जान ले ली है, करीब 3-4 हजार पेड़, आप समझ सकते हैं पर्यावरण का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इधर आओ, तो साथियों ये देखिए पेड़ ये अभी यहाँ पे हैं, मौके पर उपलब्ध हैं। अब जिन लोगों ने कब्जा किया है ये लोग अब इनको कुल्हाड़ी से जरूर काटेंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उधर से जुताई करवा दी गई है, इधर करवा दी गई है, लेकिन ये चूंकि बड़े बड़े पेड़ हैं तो ये बच गए हैं, और उधर के जो छोटे पेड़ हैं जैसे आप देखिए ये पेड़ है, इसके ऊपर चढ़ा दिया गया है ट्रैक्टर। कई पेड़ जो हजारों हजार पेड़ हैं इतने छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यहाँ पे पड़े हुए हैं जमीन में, मिट्टी में मिला दिए गए हैं। ये देखिए पेड़ कटे पड़े हैं, ये जिंदा पेड़ काटे गए हैं, और ये देखिए ट्रैक्टर इनके ऊपर चढ़ाया गया है। तो अगर ऐसा हुआ है, किसी के भी राजनीति है, चाहे साक्षी महाराज हो या कोई हो, चाहे इनका नाम गलत आ रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, और पर्यावरण जो है खतरे में है, और ऐसे ही लोग इनको खतरे में डाल रहे हैं। देखिए जगह जगह सब पेड़ जमीन में पड़े हुए हैं,
4000 पेड़, कम से कम 3-4 हजार पेड़ कम नहीं होते हैं, पूरी जमीन में मिला दिए गए हैं। ये देखिए अभी ये हरे हैं, आज वीडियो शूट हो रहा है, हरा पेड़ है बिल्कुल, और इसको काट करके और जमीन में मिला दिया गया है। अब इस पे गेहूं बो दिया गया है और कब्जा हो गया। अब कार्रवाई के नाम पे क्या होता है, खाना पूर्ति होगी या कुछ कार्रवाई भी होगी। साथियों ये वन विभाग के पेड़ आप देख रहे हैं, इनको काटा जाएगा ऐसा कुछ लोगों का दावा है, जिन्होंने अभी मैंने दिखाया था कुछ पेड़ काटे हैं। अब इसके बाद में अब ये वाले पेड़ काटे जाएंगे, देख रहे हैं कितने हरे भरे हैं। इस जमीन पे नजर है लोगों की, भू माफियाओं की, इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वन विभाग के लोग मिले हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नेता लोग मिले हुए हैं, बीजेपी शासन के नेता, बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक मिले हुए हैं इस खेल में, क्योंकि 400 बीघे का मैटर है और क्षेत्र अति पिछड़ा है, यहाँ पे कोई आएगा नहीं। ये वीडियो शायद मैं बना रहा हूँ, इसके अतिरिक्त आपको ऐसा कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी वन्य जीव और काफ़ी वनस्पतियाँ, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है, और इसको जिस तरह से काट करके इन पेड़ों को ख़त्म किया जा रहा है और इसमें ज़मीन में ट्रैक्टर चला करके गेहूँ की बुआई की जा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसा न हो और इस काम पर रोक लग सके। तो साथियों 7 दिसंबर 2023 की शाम को ये वन विभाग की जमीन पे कब्जा किया है कुछ लोगों ने, और कई पेड़ों को काट के मिला दिया है मिट्टी में और गेहूं बो दिया है। आज 8 दिसंबर की रात में बताते हैं उस तरफ जो वो जगह दिख रही है पानी के उस पार, उस पर कब्जा होगा। शासन और प्रशासन, पुलिस, वन विभाग बताते हैं सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, और अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो शायद इन पेड़ों को बचाया जा सकता है, वरना अब नंबर इन बड़े बड़े पेड़ों का भी है। उन लोगों का कहना है कि हम इन पेड़ों को भी काटेंगे, 400 बीघे जमीन है और इस पे अब भू माफियाओं की नज़र आ चुकी है। 400 बीघे ज़मीन पर भू माफिया अब कब्जा कर रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर चला के गेहूं बो दिया गया है, यहाँ से ये ट्रैक्टर गए हैं, देखिए ऊपर भी ले गए हैं, ये पोल बना हुआ है और पोल के अंदर भी ट्रैक्टर चलाया गया है। तो साथियों देखिए बीजेपी सरकार में धांधा गर्दी, वन विभाग के हजारों की संख्या में पेड़ काट करके गेहूं बो दिया गया, और ये देखिए ट्रैक्टर आया है, ये ट्रैक्टर फिर ये अंदर भी चला है, और जिन लोगों की नज़र है इस पे 400 बीघे ज़मीन पर, अब वो पीछे वन आप देख रहे हैं ये पेड़ काटेंगे ऐसा उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों से दावा किया है। बाकी जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ थे उनको तो ट्रैक्टर से ही ख़त्म कर दिया है। ये ज़मीन आप देख रहे हैं करीब होगी 100 बीघे तक, अभी मैंने इसके पहले काफ़ी दूरी तक ये जोता गया है खेत, छोटे छोटे पेड़ थे और उनको काट के सब मिला दिया है मिट्टी में। अब अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, लचर कार्रवाई कर रहे हैं वन विभाग वाले और जो भी शासन प्रशासन है, कई दिन से वो लोग जो है ऐसा दावा कर रहे थे कि हम ये काम करेंगे, और उसके बाद में उन्होंने आज रात 7 दिसंबर 2023 को करके दिखा दिया, पेड़ों को काट डाला है। अभी छोटे छोटे पेड़ काटे हैं और अब इन बड़े बड़े विशाल पेड़ों का नंबर है। देखने वाला बात होगा उत्तर प्रदेश योगी की सरकार और ये क्या हो रहा है, अंधेर नगरी है यहाँ पे। वन विभाग की आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष, ये पोल लगे हुए हैं, सीमेंटेड पोल लगे हुए हैं, और ये देखिए ट्रैक्टर चला है अंदर, काफी दूरी तक चिन्हित की गई है जमीन, ये आज रात में जोती जाएगी 8 दिसंबर की रात में।